नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मुद्दे को चुनाव आयोग लेकर जाएंगे, तो वहीं आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। इससे पहले गुरुवार को ही टीएमसी घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन ममता के घायल होने के बाद ये रद्द कर दिया गया है। ममता कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके बाएं पैर और टखने की हड्डी में चोट आई है। इसके अलावा उनके गले और दाएं हाथ के कंधे में भी चोट आई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने तंज करते हुए पूछा है कि क्या तालिबान ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। उनके साथ बड़ी तादाद में पुलिस वाले चल रहे थे, उन तक कोई कैसे पहुंच सकता है। तो वहीं इस घटना पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आज तक से कहा है ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। उन्होंने कहा जिस राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाए वहां की कानून व्यवस्था कैसी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एएनआई से कहा कि नंदीग्राम में ममता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि नौटंकी और पाखंड की जरूरत है। अधीर ने कहा यह ताज्जुब की बात है कि मुख्यमंत्री पर हमले के दौरान वहां पुलिस नहीं थी, जबकि नंदीग्राम में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। उन्होंने कहा कि ममता के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नंदीग्राम सीट से ममता चुनाव मैदान में हैं और चूंकि वह मुख्यमंत्री हैं इसलिए इस पूरे इलाके में पुलिस की अच्छी खासी तैनाती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में है और चुनाव आयोग को बीजेपी निर्देशित करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि ममता बनर्जी के घायल होने की सूचना चिंताजनक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को सीपीएम ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टिकट दिया है। घोष को जमुरिया सीट से टिकट दिया गया है। बता दें आयशी घोष जनवरी 2020 में जेएनयू में हुई हिंसा के बाद चर्चा में आई थी। हमलावरों ने उन पर बुरी तरह हमला किया था जिससे उनको काफी गंभीर चोटें आई थी। वहीं नंदीग्राम सीट से लेफ्ट ने युवा मोर्चा की अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी को टिकट दिया है। बुधवार को हरियाणा सरकार के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव गिर गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भले ही गिर गया हो लेकिन सरकार लोगों की नजर में गिर गई है। बता दें कांग्रेस द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े जबकि सरकार के पक्ष में 55। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम सूरत राय के एक स्कूल से शराब का जखीरा मिलने की खबर सामने आई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन राय ने तेजस्वी के आरोपों को गलत बताया है। इस मामले को लेकर बिहार की विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ। राय ने कहा है कि तेजस्वी अपनी पार्टी के विधायकों से उनके और उनके परिवार के बारे में पता करवा लें। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार किसी भी तरह का गलत व्यापार नहीं करता है। मनसुख हिरेन की मौत में शामिल होने का आरोप लगने के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने पुलिस अधिकारी सचिन वझे का बयान दर्ज किया है। इससे पहले बुधवार को वझे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जब तक जांच होती है वझे को पद से हटाया गया है और अगर उनका नाम हिरेन की मौत में पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वझे का नाम आने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सचिन वझे कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। मामले की जांच हो रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठाकरे ने कहा कि किसी भी मामले में पहले फांसी दो फिर जांच करो, ये ठीक नहीं है। इसी के साथ सीएम ठाकरे ने कहा कि मोहन डेलकर प्रकरण की भी जांच शुरू हो चुकी है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बजट पेश होने के 6 सप्ताह से भी कम समय में केंद्रीय कैबिनेट ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया कि अब इस संशोधन के प्रस्ताव को जारी बजट सत्र में पेश करने की योजना है। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ रही है। भारत में नए कोरोना केसों में 27% बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 22,854 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 126 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,85,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,58,000 से ज्यादा हो चुकी है।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अभी तक 60 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और 2000 से अधिक के हिरासत में लिए जाने की खबर है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोलों के अलावा सीधे फायरिंग भी कर रही है। इस बीच अमेरिका ने म्यांमार की सेना प्रमुख के 2 बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही उनके द्वारा नियंत्रण की जा रही 6 कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई है। इसके अलावा यूके भी म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।